फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लोजहन कश्यप स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बताऊंगी, यानी कि अपूर्ण भविष्यकाल बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताए थे, यानी कि अपूर्ण भूतकाल बताए थे। तो उससे पहले मेरी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियो सीक्वेंस से बनी हुई है, तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब वहां से जाके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक मेरी सारी वीडियोज हैं सीक्वेंस से जरूर देखना, ताकि आपको टेंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में या मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा आते हैं, वे हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भविष्यकाल कहलाते हैं। तो एक बार से रीड भी कर लेते हैं। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में या मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आते हैं, तो वो हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो ऐसे ही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी तीन प्रकार के सेंटेंस आते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल और उसके एग्जांपल्स बताती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो एग्जाम्पल है हमारा राम जा रहा होगा। तो राम इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के संग भी विल बी लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के संग भी विल बी लगेगा। राम, राम के बाद ये हमारा सब्जेक्ट था राम, इसके बाद विल बी, विल बी, राम विल बी, वर्ब क्या है? जाना। और जाने को हम कहते हैं गो, और गो के संग आईएनजी लगाना है, तो राम विल बी गोइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है तुम परीक्षा दे रहे होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम, और तुमको क्या कहते हैं हम? यू। अब राम था हमारा सिंगुलर और ये तुम यानी कि यू हमारा प्लूरल है, तो यू इसके संग में हम विल बी ही लगाएंगे, विल बी, यू विल बी। अब वर्ब क्या है? देना, और देने को हम कहते हैं टेक, तो टेक के संग आईएनजी लगाना है, तो टेकिंग। You will be taking, ऑब्जेक्ट है बच्चा क्या है? परीक्षा। वो क्या दे रहा है? परीक्षा दे रहा है, तो taking the examination। You will be taking the examination। तो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस करा दिए हैं। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको कराऊंगी नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य का रूल और उसके कुछ एग्जांपल्स। नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल है अनीता रात में नहीं पढ़ रही होगी, इसमें विल के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद भी लगेगा, विल भी एक साथ नहीं लगेगा। तो पहला एग्जाम्पल था हमारा अनीता रात में नहीं पढ़ रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? अनीता। अनीता विल नॉट बी, विल
नॉट बी, विल नॉट बी वर्ब क्या है? पढ़ने का, पढ़ना। और पढ़ने को हम क्या कहते हैं? रीडर। रीड के साथ क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। विल नॉट बी रीडिंग रीडिंग। अब कब नहीं पढ़ रही? वो रात में नहीं पढ़ रही, तो रात में, रात में यानी कि एट नाइट, एट नाइट। अनीता विल नॉट बी रीडिंग एट नाइट, अनीता रात में नहीं पढ़ रही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूंगा। तो हमारा सब्जेक्ट है मैं, और मैं को हम कहते हैं आई, तो आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी वर्ब क्या है? क्या है वर्ब? बात करना। और बात करने को हम क्या कहते हैं? टॉक। टॉक के संग क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, तो टॉकिंग। आई विल नॉट बी टॉकिंग, किससे बात नहीं कर रहा है? वो उससे बात नहीं कर रहा है, तो क्या आएगा इसमें? टॉकिंग टू हर। आई विल नॉट बी टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूंगा। अब मैं आपको बताऊंगी इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल, उसके एग्जाम्पल्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य आते हैं। पहले वो होते हैं जो जिन वाक्यों के शुरू में क्या लगता है, और दूसरे प्रकार के वाक्य वो होते हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली वाले होते हैं। तो डब्ल्यूएच फैमिली वाले में आपको इसको करने के बाद बताऊंगी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में रूल होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद भी लगाएंगे। इसमें जब सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो हम नॉट लगाएंगे, और अगर नहीं नहीं आ रहा है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह यहां नहीं आ रहा होगा? अब आप इसमें कैसे पहचानोगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है? आप कैसे पहचानोगे कि तो आप दो तरीके से पहचान सकते हो। पहला, दो तरीके से पहचान सकते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही है, तो वाक्य है। तो पहला, शुरू में क्या आ रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो अगर क्या आता है शुरू में तो क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहा होगा उस वाक्य में। और दूसरा कि मतलब अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे पहचान पाओगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ही एक वाक्य है। पहचान कहती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। इसमें क्या आ रहा है? रहा होगा। तो ये क्या है हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एक वाक्य है। किसका है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे हमारा विल लगेगा, क्या की हमारी इंग्लिश होती है व्हाट, और व्हाट की जगह विल लगता है। तो ये सारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछली वीडियोस में बता रखे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मतलब पिछली वीडियोस में मैंने क्लियर करा रखे हैं। अब वहां से जाके पिछली वीडियो जरूर देखना, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। विल, तो यहाँ पे विल सब्जेक्ट वह, और वह क्या है? ही, क्योंकि यहाँ पे रहा आ रहा है। तो विल ही, विल ही नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, तो नॉट बी, नॉट बी। यहां तक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसका वर्ब है आना, है ना?
और आने को हम कहते हैं कम, कम के संग आईएनजी लगाना है, कमिंग हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दो फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद। कमिंग अब विल ही नॉट बी कमिंग। अब इसमें क्या है कि वो कहाँ नहीं आ रहा है, वो यहाँ नहीं आ रहा है, और यहाँ को हम क्या कहते हैं हेयर। तो ही विल ही नॉट बी कमिंग हेयर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे वहां पहुंच रहे होंगे, क्या विल। अब इसमें इसमें हमारा नॉट लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें नॉट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें नहीं है ही नहीं, तो इसका अब इसकी हिंदी क्या होती है नहीं, तो इसमें नहीं है ही नहीं, तो हम नॉट क्यों लगाएं, तो इसमें नॉट नहीं लगेगा। इसमें विल दे विल दे बी, क्योंकि इसमें नहीं नहीं है, तो हमने नॉट नहीं लगाया, हमने बी लगा दिया। विल दे बी वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचने का हम क्या कहते हैं रीच, रीच के साथ आईएनजी लगानी है, तो रीचिंग हो जाएगा। विल दे बी रीचिंग, रीचिंग कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं वो, वहां नहीं पहुंच रहा, वहां को हम क्या कहते हैं देयर, यहां हेयर, वहां देयर। तो विल दे बी रीडिंग, विल दे बी रीचिंग देयर। अब मैं आपको बताऊंगी डब्ल्यूएच फैमिली का एग्जांपल और उसके उसका रूल। अब मैं आपको बताऊंगी इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही डब्ल्यूएच फैमिली का रूल और उसका कुछ उसके एग्जांपल्स। तो इसका रूल होता है डब्ल्यूएच फैमिली, डब्ल्यूएच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सारा रूल सेम है, बस शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स लग जाएंगे। तो इसमें जो डब्ल्यू एच फैमिली के जो वाक्य होते हैं ना, उसमें बीच में क्या कब कैसे क्यों आदि आते हैं। तो पहला एग्जांपल है मैंने तुम कब सो रहे होंगी, लेकिन इसमें आ तो ये बीच में ना है, लेकिन इनकी इंग्लिश क्या है रूल के अकॉर्डिंग शुरू में लगेगी। तुम कब सो रहे होंगे, तो इसमें तुम की इंग्लिश नहीं आएगी, इसमें क्या है कब है ना हमारा डब्ल्यू एच का, तो इसमें कब को हम कहते हैं वैन, तो वैन। फिर हमारा विल आएगा, सब्जेक्ट तुम, यू, बी, इसमें नहीं नहीं लग रहा है, इसमें हमने नॉट नहीं लगाया है। बी वर्ब है सोना, और सोने का हम कहते हैं स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग। When will you be sleeping? तुम कब सो रहे होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल तुम कहाँ नहीं रह रहे होंगे, कहाँ आ रहा है, तो इसमें नहीं भी आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो इसकी इंग्लिश होती है कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर, वेयर विल, वेयर Will you, subject you है ना, you not be, where will you not be, और verb क्या है हमारी, verb है रहना, और रहने को हम कहते हैं live, live के साथ ing लगाना, तो living। Where will you not be living?
तुम कहाँ नहीं रह रहे होंगे। तो आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि आपकी तरह आप जो मैं जो टेंस करवाती हूँ आपको वो आप भी सीख रहे हो और आपके फ्रेंड्स भी सीख पाएंगे ऐसे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।